Hey guys, welcome back to my YouTube channel again. Jobs with Monty. मेरा नाम है Monty और मैं आपके लिए आता रहता हूँ फॉरेन जॉब अपडेट्स जो होते हैं 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास और डिप्लोमा होल्डर्स के। अगर आप चैनल पर नए हो और आप भी जाना चाहते हैं इंडिया से बाहर तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें जिससे आपको मिल पाए सबसे पहले जॉब अपडेट्स। और साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप पर भी जॉब अपडेट चाहते हो तो यहाँ पर एक नंबर दिख रहा होगा जिसको अपने फोन में जाकर सेव कर लो, साथ ही साथ मेरे को हाई भेज दो जिससे मैं भी आपका नंबर सेव कर पाऊँ और आपको मिल पाए जॉब के अपडेट सीधा व्हाट्सएप पर। तो बिना किसी तरीके आज की जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। जो जॉब निकली है वो निकली है एमिरेट्स की ही एक फ्लाइट कैटरिंग सर्विसेज जिसको बोलते हैं शॉर्ट में EKFC, यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ये ग्राउंड स्टाफ की जॉब होने वाली है जिसका पोजीशन का नाम है हाउसकीपिंग अटेंडेंट। तो जल्दी जल्दी क्विक समरी के बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या डिमांड रखी गई है। फर्स्ट कंपनी का नाम होने वाला है एमिरेट्स फ्लाइट कैटरिंग सर्विसेज। लोकेशन होने वाली है आपकी दुबई। दुबई में स्पेसिफिक बताऊं तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा गया है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन और एक्सपीरियंस की। एजुकेशन की जो यहाँ डिमांड रखी गई है सिर्फ उन्होंने लिखा है बेसिक एजुकेशन को अगर हम काउंट करना चाहें तो उसको 10th पास और 12th पास मान सकते हैं, 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग और 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग मान सकते हैं बेसिक एजुकेशन। और साथ ही साथ बोला है कि आपकी न्यूमेरिकल्स मतलब आपकी जो मैथमेटिक्स वो ट्रिग्नोमेट्री या वगैरह पाइथागोरस नहीं बोल रहा मैं, उसमें सिर्फ आपके नंबरिंग अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन में आप अच्छे होने चाहिए, बस एक छोटी सी डिमांड रखी गई है न्यूमेरिकल स्किल्स के नाम पर। साथ ही साथ बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए कुछ बताया नहीं है, इसका मतलब साइलेंट मान सकते हैं तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो इन जॉब को अप्लाई कर सकते हो, अगर उनको डिमांड रखनी होती है एक्सपीरियंस की तो वो यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख सकते थे। अब तो मान सकते हैं कि उन्होंने अगर नहीं बताइए तो आप फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जेंडर और नेशनैलिटी की, जेंडर के लिए कोई बार नहीं है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो, दोनों इक्वली एलिजिबल हो। साथ ही साथ नेशनैलिटी के लिए भी कोई बार नहीं रखा गया, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी कोने से हो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू आर परफेक्टली एलिजिबल। बात कर लेते हैं यहाँ पर सैलरी की। सैलरी डिस्क्लोज नहीं की गई है बट ऐसी पोजीशन के मान सकते हो आपको 3,000 से 3,500, सीधा इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 60,000 से 70,000 रुपये आपको मिल जाएगी और वो भी आपकी सैलरी होने वाली है टैक्स फ्री। तो यानी टैक्स के नाम पर आपसे 1 रुपये भी कलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको कोई TDS नहीं कटने वाला। आपकी अगर 50,000 सैलरी रखी जाती है तो आपके अकाउंट में सीधा सीधा 50,000 क्रेडिट होंगे। तो बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स के यहाँ पर जो रखे गए हैं वही जो नॉर्मल आपको एमिरेट्स कंपनी देती है। तो फर्स्ट आपका वीजा अरेंजमेंट, आपकी शेयर्ड बेसिस पर अकोमोडेशन, रहने का जरिया और साथ ही साथ फूड भी दिया जाएगा, जो आपको वर्किंग शिफ्ट जो ड्यूटी मील होता है वो आपको दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। साथ ही साथ आपको एयर टिकट का कुछ कोटा मिलने वाला है जो एमिरेट्स प्रोवाइड करती है अपने ऑल एम्प्लॉइज को, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है कंपनी जिससे आपकी लाइफ सिक्योर हो सके और आपके मेडिकल एक्सपेंसेस फ्यूचर में कम हो सके। मैं बता देता हूँ जॉब को अप्लाई कैसे करना है। जॉब को अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जैसे ही जाओगे आप मेरी वेबसाइट पर आ जाओगे, पूरी जॉब पढ़ लेना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या आपको एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। फिर जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको अप्लाई नाउ का बटन देखेगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आप कंपनी की वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जॉब निकली है, वहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। फिर वहाँ पर एक अप्लाई नाउ पर दोबारा क्लिक करना है उसी जॉब पर। तो जैसे ही वहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आप अकाउंट मांगेगा क्रिएट करने के लिए। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट होगा उनकी वेबसाइट पर, आप पहले से अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, आपको अकाउंट नहीं बनाने की जरूरत है। अगर आप न्यू हो तो इस पर अकाउंट बना लेना, फिर अकाउंट बनाने के बाद अपनी छोटी मोटी डिटेल्स भर देना जो आपके रिलेटेड होती हैं। मैं बताने तो नहीं जा रहा कि आप क्या क्या लास्ट नेम में फर्स्ट नेम में क्या भरना है, आप अपने आप भर सकते हो इसकी आप समझदार हो, क्योंकि आपको कल को दुबई भी जाना है मेरे भाइयों, यार इतने बच्चे के लिए तो नहीं करोगे ना। सारी डिटेल भरने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, फिर अपनी डीप डिटेल्स भर देना आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड जो उनके क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली। आपको एक CV अपलोड कर देना। CV अपलोड में बताता हूँ कि CV जो होना चाहिए आपको अपडेटेड होना चाहिए और जोन सी भी जॉब के अप्लाई कर रहे हो उससे पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, उसमें स्किल सेट डाल दो जोन सी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिससे होता क्या है कि यार अगर आपका HR पढ़ने बैठ जाता है CV तो उसमें आपको उसके की स्किल जो होते हैं वो दिख जाते हैं जो भी जॉब से रिलेटेड होते हैं, तो आपके ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो पूरा का पूरा जो डिस्कशन हो गया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंट्री के साथ। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।